हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं 7:08 एंड अभी हम लोग आगे पहुँचे हैं रतलाम जंक्शन पे। वेट, दिस इज़ पार्ट वन। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। गो एंड चेक आउट द पार्ट वन। एंड अभी शुरुआत करते हैं पार्ट टू के साथ, तो पार्ट टू देखने के लिए बने रहिए। इस साइड में अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट जो साइड अभी कंप्लीट हो गया है ना, वो काफ़ी साफ़ सुथरा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये साइड भी डेवलप रहेगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स बैठे हुए हैं, मे बी आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट बैठे हुए हैं और उस साइड का काम अभी भी चल रहा है। ये देख सकते हो कि काम आधा अधूरा हुआ है। ये सब कुछ पूरा शेडिंग वगैरह कम्प्लीट होने वाला है एंड उस साइड पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स भी बनने वाला है वहाँ पर, तो वो सब काम भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ से हम लोगों का बाकी का जर्नी कंटिन्यू होगा। पार्ट टू में मिलते हैं आप लोगों से। पार्ट वन मैं यही पेंट करती हूँ। ये है वॉशरूम। एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दुरंतो की कैटरिंग, क्या क्या फूड सर्विस होती है, कैसा हो रहा है खाना, वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही ये रूट की जो खूबसूरती है वो आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। वैसे जितना मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, अभी भी ट्रेन ऑलमोस्ट 8 मिनट की डिले से चल रही है। वैसे मोस्टली ये ट्रेन डिले नहीं होता है, मुंबई पहुँचते पहुँचते सही टाइम पर पहुँचा देता है। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि आज भी डिले नहीं होने वाला है और सही टाइम पर हम लोग पहुँच जाएंगे, जो कि टाइम है 3:50 एंड अभी भी जर्नी के ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर बचा हुआ है, तो बहुत सारी रास्ता बचा हुआ है ये जर्नी कंप्लीट करने में। वैसे कुछ देर में हम लोग का ब्रेकफास्ट सर्विस, टी सर्विस एंड फिर लंच सर्व किया जाएगा, तो उसमें मैं क्या ऑप्ट की हूँ, क्या नहीं की हूँ, टेस्ट क्या है, सब आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। सॉरी फॉर दैट। तो यस, आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी एंड टिल नाउ इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी सो फार एंड होपफुली आगे की जर्नी भी बहुत सही रहने वाला है। वैसे यहाँ का जो एसी है ना, बहुत ज़्यादा चिल्ड लग रहा है, तो ठंड लग रही है। मैं जा रही हूँ फिर से अपने ब्लैंकेट के अंदर एंड पास से हम लोग बिल्ली या फिर क्या नाम है स्टेशन का, ओके सॉरी रावटी स्टेशन क्रॉस किए, स्किप मारे, ये सारे नॉन हॉल स्टेशन है तो वो स्टेशन क्रॉस मारे। एंड अभी टाइम हो रहा है 7:35, तो सुबह ही है एंड रात में मैं बार बार उठ रही थी तो मेरा नींद तो पूरी नहीं हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए चिल कर लेती हूँ और कुछ देर बाद से फिर से स्टार्ट करते हैं। Two, three, go!
अलग हुई हैं। ब्रेकफास्ट का प्रेफरेंस कल रात को ही ले लिया गया था एंड बहुत देर हो गया है, एक्चुअली 9 बज चुका है। 8 बजे से ब्रेकफास्ट सर्विस स्टार्ट होता है एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने जितनी बार ट्रैवल किया है मैंने देखा है कि सुबह 7 बजे से टी कॉफ़ी सर्विस या तो ब्रेकफास्ट सर्विस ये सब स्टार्ट हो जाता है। मैं बहुत पहले से उठ गई हूँ, अभी तक मुझे सर्व नहीं किया गया था और ये भी सर्व मुझे नहीं किया गया है। मुझे जाके बोलना पड़ा तब जाके मुझे सर्व किया गया, तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। मुझे अच्छा नहीं लगा ऑब्वियसली कि मांगना पड़ रहा है उसके बाद जाके सर्व किया जा रहा है, तो दैट शुडंट हैपन। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट के लिए नॉनवेज ऑप्शन ऑप्ट किया है जिसमें ऑमलेट आता है, तो ऐसा होता है प्लेटिंग कुछ। इसमें दिखा देती हूँ आप लोगों को, इसमें देखो ये तुमको एक मैंगो ड्रिंक मिल जाता है, ब्राउन ब्रेड, इसमें ऑमलेट है एंड दिस इज़ बटर। यहाँ पर टोमेटो केचप दिया है, स्पून है एंड स्ट्रॉ है, तो दिस इज़ द एंटायर सेटअप। मैं ये खोल के देखते हैं क्या है कैसा है, फिर रिव्यू भी देती हूँ। तो ये है ऑमलेट, ऑमलेट के नीचे पीज और कैरेट्स होता है कुछ वो है, ये ब्राउन ब्रेड है सिंपल, बाकी सब कुछ तो आपको लोग दिख ही रहा है क्या है, गरम है वैसे ये। इसका रिव्यू मैं क्या ही दूँ, फिर भी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं सैंडविच बना लेती हूँ और वो एंजॉय करते हैं। बहुत भूख लग गई है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस ट्रेन में 10:10 से ये ट्रेन छूटता है ना, तो वहाँ पर रात में कुछ सर्विसिंग नहीं होता है, तो सुबह थोड़ा सा जल्दी ब्रेकफास्ट देनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे पैसेंजर्स थे जो बहुत जल्दी उठ गए थे एंड मैं नॉर्मली 5 बजे उठ जाती हूँ, तो बाकी सारे एवरेज में लोग 7 बजे से उठना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर टी कॉफ़ी सर्विस हो या फिर ब्रेकफास्ट सर्विस हो वो थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए। 9 बज जाएगा और दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एक्चुअली, और वो भी सर्व नहीं किया गया, मुझे जाके मांगना पड़ा तब जाके मुझे दिया गया। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ बैड एक्सपीरियंस आई वुड से। मैंने यहाँ पे सैंडविच बना लिया है, केचप और एग डाल दिया है, अभी इसके ऊपर जाएगा दूसरा स्लाइस एंड ये मैं भी इन्जॉय करने वाली हूँ। This is good. और दो चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक के साथ ये थोड़ा सा सॉगी है बट फ्रेंच फ्राइज देते हैं एंड अनदर गुड थिंग, यहाँ पर देखो ब्राउन ब्रेड लिखा हुआ है। मोस्टली आप अगर देखोगे ना बाकी ब्राउन ब्रेड्स उसमें ब्राउन तो बोला जाता है बट उसमें कलर एडेड होता है और आटा बहुत ही कम होता है, फ्लैट ही ज़्यादा होता है, बट इसमें 100% आटा है, ट्रांस फैट नहीं है, नो एडेड कलर एंड नो पाम ऑयल। दिस ऑल आर वेरी बैड फॉर योर हेल्थ एंड ज़ीरो मैदा है इसमें। तो मैंने क्या किया, इसका एक्चुअल इन्ग्रीडियंट्स चेक किया, इसका इन्ग्रीडियंट्स में देखो इन्ग्रीडियंट्स में वीट फ्लावर लिखा हुआ है 62%। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाई इंडियन रेलवे कि वो लोग अभी अच्छे ब्रेड सर्व कर रहे हैं जिसमें आटा है मैदा नहीं है, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्राउन ब्रेड के बारे में, तो अभी मैंने जस्ट देखा कि ये ब्राउन ब्रेड है नेशनल अवार्ड विनर इन 2006-09-12 फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली मुझे जितना देख के लगा, मुझे तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है फूड के बारे में, बट जितना मैं ओवरऑल देख के बता पा रही हूँ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी गर्म पानी देखे गए हैं चाय के लिए, तो चाय की जो चीज़ें हैं वो सभी देने वाले हैं बट गर्म पानी देखे गया है। आज पता नहीं इन लोगों का सर्विस का क्या हो गया है, गर्म पानी सर्व करके गया, अभी 10 मिनट बाद भी मुझे टी किट सर्व नहीं किया था एंड सबका प्लेट्स वगैरह ये लोग कलेक्ट कर रहे थे। फिर मैंने उनको फिर से बुलाया तो मेरे से मेरे प्लेट मांग रहे हैं, वो भूल ही है कि मुझे टी किट सर्व नहीं किया, फिर मांगना पड़ा, फिर 10 मिनट बाद मुझे अभी टी किट मिला है। तो सोचो कि ये जो गर्म पानी था ये तो गर्म है नहीं, वैसे तो मैं ऐसे ही पी जाऊँ उसको, ऐसा ठंडा हो गया, नॉर्मल पानी हो गया, क्या फ़ायदा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देयर सर्विस टुडे, बहुत ही गंदा सर्विस हो रहा है, मतलब 10 मिनट बाद देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, आप लोग ही सोच लो, तो इट्स काइंड ऑफ एन यूजलेस थिंग टू मी राइट नाउ, नेगेटिव एक्सपीरियंस। ये हालत है देखो, पानी इतना ठंडा हो गया है कि ये भी नहीं घुल रहा है सही से, कलर ही नहीं आ रहा है। अब मैं इसका क्या चाय बनाऊँ और क्या पीऊँ, आप बताओ, देखो कलर कितना कम आ रहा है।
अभी ये गर्म होता ना तो इंस्टेंटली कलर आ जाता, गर्म है ही नहीं, बहुत ठंडा हो गया, मैं ऐसे पकड़ सकती हूँ, ये इतना ठंडा है, तो इट्स काइंड ऑफ यूजलेस फॉर मी ना, मुझे ऐसे ही फेंकना पड़ेगा इसको। इसमें स्टारर भी नहीं है, मैं किस चीज़ से इसको बनाऊँ भाई, बहुत गंदा लग रहा है मुझे आज का सर्विस। स्टारर भी नहीं है, देखो खाली है, इसमें बस ये एक टी पैकेट था, ये शुगर था और ये क्रीमर है, बस दैट्स इट। स्टारर नहीं है तो मैंने इसे एक खाया है इस स्पून से, तो मैं स्पून से तो नहीं बना सकती ना चाय, तो बहुत बहुत बुरा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दोनों, तो टूटे या फिर इनका गलती या फिर इनका स्टाफ का गलती है, जिसका भी गलती हो मेरे लिए ये बैड एक्सपीरियंस हो रहा है। चाय तो मिलने से रहा, इसलिए अगला से मैंगो जूस मैं पी रही हूँ, बट ये जो कंपनी का जूस है ना ये अच्छा नहीं है, पूरा फ्लेवरिंग है और पूरा समझ आ रहा है, अजीब सा लग रहा है। एक हैवी ओवर ट्राइड फ्रूटी और माजा, तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है मैंगो जूस, आई नो कि उसमें प्रिजर्वेटिव शुगर एंड फ्लेवर से होता है, मैंगो तो नहीं होता एक्चुअली, बट इसका बहुत लाइट है और कैसा अजीब सा टेस्ट है इसका, तो मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा, मैं ये भी फेंकने ही वाली हूँ। अभी हो रहा है 11, अभी आके हम लोग पहुँचे हैं वडोदरा स्टेशन पे। पहले इसका जो शेड्यूल टाइम था वो था 10:30, हमारी ट्रेन अभी आधा घंटा डिले हो गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेन रुक रुक के चल रही थी, एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डीबोर्ड किया है, तो मैं गेट के पास खड़ी नहीं हो पाई कि मैं अराइवल ले सकूँ इस ट्रेन की, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आते हैं ये बात पे, इस स्टेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देते हैं। वडोदरा अभी कहा जाता है इस ट्रेन को, लेकिन ये ट्रेन पहले बड़ौदा स्टेशन के नाम से भी जानी जाती थी। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन की 10 मिनट की हॉल्ट है, एंड अभी हमारी ट्रेन एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आगे रुकी है। ये स्टेशन जो है गुजरात में आती है एंड 5th बिजीएस्ट स्टेशन है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेशन है स्ट्रेटजिकली। ये ट्रेन यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनों की हॉल्ट होती है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो स्टेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, एंड जो सारे गुजरात के स्टेशन हैं उसमें से अहमदाबाद के बाद इस स्टेशन की इम्पोर्टेंस है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं ये स्टेशन स्ट्रेटजिकली। यहाँ पर हमारी ट्रेन भी काफ़ी देर के लिए रुकने वाला है, एंड जैसे नॉर्मल स्टेशन पर 5 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ पर 10 मिनट की हॉल्ट है हमारी ट्रेन की। आई होप कि मुंबई पहुँचे ये जो आधे घंटे का डिले है वो कवर अप हो जाएगी, बट पता नहीं, देखते हैं। यहाँ पर गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों को ये बात समझ आई कि दिल्ली से हम लोग ने अपना जर्नी स्टार्ट किया तो उत्तर प्रदेश से होते हुए हम लोग राजस्थान के अंदर एंटर किए, राजस्थान के बाद गुजरात होते हुए हम लोग महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे, तो वन ऑफ द लाइक छोटा सा एक रूट हम लोग कवर कर रहे हैं, शॉर्ट रूट कवर कर रहे हैं ताकि जल्दी हम लोग मुंबई पहुँच सकें। वैसे जर्नी तो काफ़ी अच्छी हो रही है, जर्नी बहुत सही चल रहा है, बस ये जो डीले है वो डीले कवर हो जाए, मैं बस इतना चाहती हूँ। अभी यहाँ पर स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इम्पोर्टेंट स्टेशन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि डीबोर्डिंग बहुत सारे लोगों ने किया है, अनबोर्डिंग भी हुआ है इससे, तो होपिंग फॉर द बेस्ट और जो डीले है वो कवर अप हो जाए, यही कि 7 ट्रेन पर फिर से बोर्ड करते हैं और अंदर जाते हैं, बाहर गर्मी लग रही है मुझे। हमारी सिग्नल भी हो गई है, वैसे यहाँ पर ट्रेन की 10 मिनट की तो हॉल थी, बस 10 मिनट के लिए रुका नहीं ट्रेन, डिले हो गया तो 5 मिनट के लिए रुका और हमारी ट्रेन चल पड़ी है। ये जो है आई होप कि जो डिले है वो कवर हो जाए टाइम के साथ, देख ही सकते हो कि धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, इधर भी गर्मी भी है, अंदर एकदम चिल है, तो मैं जल्दी जल्दी इसका डिपार्चर लेके अंदर जाती हूँ, अंदर जाके रेस्ट करती हूँ।
पश्चिम एक्सप्रेस खड़ा हुआ है उस साइड पे, यानी भरौच स्टेशन हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद आने वाला है नर्मदा रिवर और उसके ऊपर से हम लोग ब्रिज क्रॉस करेंगे। काफ़ी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। इस स्टेशन पे हमारा कोई हॉल्ट नहीं है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है स्टेशन पे। जैसे कि टाइम देख सकते हो कि 11:51 हो चुका है। ब्रिज मैं अभी कवर करने वाली हूँ, सो बेयर विद मी। एंड आई लव दिस साउंड व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से रहना, बिकॉज़ यहाँ पर लोग खड़े रहते हैं नीचे और मोबाइल छीन वीन सकते हैं, तो फिर जस्ट बी प्रिपेयर्ड। जैसे देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं, वर्कर्स भी हैं, मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल रही, बट कभी कभी बच्चे भी होते हैं।
अच्छा सोचे थे कि ये जर्नी होने वाली है, थोड़ा सा उसमें मेरा बैड एक्सपीरियंसेस इंक्लूड हो रही है। आई डोंट नो इफ यू गाइस आर एबल टू हियर दैट। एक तो बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आने ऊपर से मेरी इस वाले जो कुक है उससे सामने वाले कुक में कुछ लड़के ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ब्लास्टिंग म्यूजिक नॉन स्टॉप। कल रात से चल रहा था, फिर सोने के टाइम पर बंद था, फिर से सुबह जब सब लोग उठ गए लाइक लिटरली फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स गाना बज रहा है। मैंने अटेंडेंट से बुलवाया कि बंद करो, अभी साउंड थोड़ा सा कम हुआ है बट गाना अभी भी चल रहा है एंड वो लोग बहुत लाउडली बात कर रहे हैं। लाइक होता है ना कि नॉर्मली लोग बात कर रहे इट्स फाइन, बट बहुत ज़ोर ज़ोर से जब लोग नॉन स्टॉप बात करते रहते हैं तो दिमाग का दही हो जाता है, वैसा वाला सिचुएशन है मेरे साथ। और मेरा ऑलरेडी हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सही से सो नहीं पाया तो इसलिए मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कभी कभी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वैसे ये ट्रेन के साथ तो इंक्लूडेड नहीं है बट इट इज़ इंक्लूडेड इन माई एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। देखते हैं, पता नहीं क्या ही बोल सकती हूँ मैं। वैसे तो जर्नी कुछ देर में ख़त्म ही होने वाली है, कुछ घंटा बचा है जर्नी के ख़त्म होने में, तो आई जस्ट बेयर विद इट। वैसे बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, सब कुछ सब साथ में चल रहा है। यस, आई जस्ट विश कि ट्रेन जो डीले चल रहा है ना, ट्रेन का आधे घंटे का, वो कवर अप हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी मुंबई पहुँचूँ, फिर अपना घर जाऊँ। सूरत स्टेशन पर आके ट्रेन रुक गई है। वैसे ये तो नॉन हॉल्ट स्टेशन है, यहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं है हमारी ट्रेन की, बट हमारी ट्रेन उधर रुक गई है एंड डिले अभी भी कवर अप नहीं हुई है। एंड अभी टाइम हो रही है 11:40 एंड पीछे देखो सूरत स्टेशन पर आके ट्रेन रुक गई है, पता नहीं कितने देर के लिए रुकेगी, देखते हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा, सॉरी माई बैड, इट्स नॉट 11:40 इट्स 12:40, आई एम रियली सॉरी। ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस एक मिनट का हॉल दिया सूरत स्टेशन पे एंड हम लोग फिर से आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा गुड थिंग कि ज़्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करवाया था। देखो अभी टाइम हो रही है 1:20 ऑलमोस्ट, अभी लंच आ गया है, मैंने लंच के लिए वेज लिया है तो ये मैंने ओपन कर लिया है, देख लो पनीर है, दाल है, चावल है, पिकल, दही, लड्डू एंड ये है पराठा। टेस्ट कर लेते हैं, वैसे स्मेल काफ़ी बढ़िया आ रहा है, गर्म है खाना एकदम, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते करते आप लोगों को बताते हैं खाने की टेस्ट कैसा है। वैसे अभी जो टाइम पे सर्व किया गया है अभी टाइम तो ठीक ठाक है, ब्रेकफास्ट के टाइम अच्छा नहीं था। टेस्ट करते हैं, भूख लगी है मुझे, पहले दाल चावल टेस्ट कर लेते हैं। दाल से ना स्मेल आ रहा था अच्छा, और सबसे अच्छी बात है कि ये मूंग दाल है नॉट मसूर, मूंग दाल है और काफ़ी सही बना है, एकदम गर्म है, फ्रेश है, गाढ़ा भी है, एकदम सही कंसिस्टेंसी है, देखो बहुत सही है, पनीर भी गाढ़ा है, यहाँ से समझ सकते हो, देखो बहुत सही टेस्ट है, बहुत ही सही टेस्ट है, पूरा गरम मसाले का टेस्ट फ्लेवर सब आ रहा है, वाओ दिस इज़ सो गुड, आई एम सो हैप्पी। ये खाने का जब टेस्ट मिला ना, ये इस खाने का टेस्ट ने कवर अप कर दिया ब्रेकफास्ट का जो कमियां था ना लेट रहने का, वो सब कुछ, वेरी गुड जॉब। खुद ही देख लो एकदम गाढ़ा है, एकदम गाढ़ा है, ये दाल भी बहुत सही बनाया भाई, बहुत सही है, आई एम रियली हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ दिस फूड। दिस इज़ द बेसन का लड्डू, देखें तो अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो हाउ इट विल टेस्ट, टेस्ट करते हैं। बेसन का लड्डू
इट्स एवरेज, नॉट सो गुड पिक्चर है इसमें, ठीक ठाक है मेरे टेस्ट के हिसाब से, उतना बढ़िया नहीं बट ठीक ठाक है। फिलहाल जिम के अंदर से वीडियो बना रही हूँ तो आई एम नॉट बीइंग श्योर कि कितना फोकस हो रहा है, ये विंडो बहुत ही अजीब तरीके का मिला है। सो दिस इज़ द इवनिंग स्नैक्स इन दिस ट्रेन, आपको इवनिंग स्नैक्स भी दिया जाता है। अभी टाइम हो रही है 2:44 अराउंड, मेरा घर ही 5 मिनट फास्ट है, 2:44 हो रहा है टाइम। एंड यहाँ पर आ गया इवनिंग स्नैक्स का प्लेटर, ये है टी किट, ये है मिक्सचर स्नैक्स है, कचौड़ी है, चना है, चिक्कीस एंड दिस इज सोन पपड़ी, यही है, दिस इज द इवनिंग स्नैक्स प्लेटर। वैसे कुछ ही देर पहले लंच किया है तो पेट में तो बिल्कुल जगह नहीं है, तो इसलिए मैं अभी ये सब कुछ फिनिश नहीं करने वाली हूँ, ये मैं घर लेके जाने वाली हूँ। बस आप लोगों को दिखा दे ये सब है, और ये सब रेडीमेड चीज़ है तो इसका रिव्यू मैं क्या ही दूँ। ये नॉर्मल टेस्ट के होते हैं, अच्छे होती है एंड गर्म है, वैसे कचौड़ी गर्म है, बट मैं अभी कुछ नहीं खाने वाली, वो सब मैं बाद में फिनिश करूँगी। तो ये 3 मीलों की सर्विस होती है, ब्रेकफास्ट लंच एंड स्नैक्स। येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द कैटरिंग इन द दुरंतो एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। इतना हीट हो रही है ना, लिटरली पर्दा डाल के भी गर्मी लग रही है, अंदर एसी फुल चल रही है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पर ताप आ रहा है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद इंडिया, बहुत ज़्यादा हीट वेव आ रही है सारी जगह पे, दिल्ली मुंबई कोलकाता एवरीवेयर, इट्स टू हॉट। ट्रेन अभी अंधेरे से क्रॉस कर रही है एंड हम लोग अभी अपने राइट टाइम पे आ गए हैं, जैसे कि देख सकते हो पास वाले ट्रैक से एक लोकल ट्रेन पास कर रही है एंड अंधेरे में आ गए तो एकदम मुंबई सेंटर में ही है। बच कुछ ही मिनट में हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। डीले था वो कवर अप हो गई है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट एंड यस ऑलमोस्ट जर्नी ख़त्म होने वाली है, सो मैनी लोकल ट्रेंस। Wow, what a background music, but yeah, I'm not gonna edit it, I'll keep it like this. वैसे मुझे समझ नहीं आता ट्रेन हो या फिर फ्लाइट हो, डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ही लोग लाइन लगा देते हैं, तो गेट के पास अभी जगह नहीं बचा कि मैं गेट के पास जाओ और अराइवल, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी कि मैं गेट के पास जाकर अराइवल नहीं दे पाई, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला फ्लाइट हो या फिर ट्रेन हो डेस्टिनेशन से पहुँचने से पहले लोग लाइन लगा देते तो जगह नहीं था। एंड अच्छी बात और एक है कि ट्रेन बिफोर टाइम पहुँच गया है, वो भी 7 मिनट। स्टेशन पर उतरते हैं फिर बाकी बात करते हैं। तो ये है, हम लोग पहुँच गए हैं हमारे स्टेशन पर, ये हमारी ट्रेन एंड वाओ, लेकिन बहुत ही बाद आके मुझे बहुत सही लग रहा है क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा दिख रहा है, आप लोग भी देख सकते हो। एंड सारे जो लार्ज ट्रेन हैं का टाइम उन लोगों का टर्मिनेटिंग स्टेशन होता है या तो दादर होती है, तो मैं मोस्टली दादर पे ही उतरती हूँ क्योंकि वो मेरे घर के पास पड़ती है। बट अच्छा लगा बहुत सालों बाद आके, ये जर्नी बहुत ही बढ़िया रहा है एंड आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस टू पार्ट्स ऑफ द जर्नी।
फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। एंड सबसे बढ़िया बात है कि ट्रेन जो आधा घंटा डिले से चल रहा था, जो मैं थोड़ा टेंशन कर रही थी कि टाइम से पहुँचेगा कि नहीं। मोस्टली जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दुरंत तो लेट नहीं करता है, तो फिर ये आज भी बिफोर टाइम पहुँचा है। 7 मिनट बिफोर टाइम हम लोग पहुँचे एंड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन को लगाया गया है। एंड यस, थ्रू आउट द जर्नी वॉज गुड। क्लीनलीनेस मेंटेन किया गया था, वॉशरूम भी साफ था एंड खाना का जो ब्रेकफास्ट था उसका टाइमिंग सही नहीं था, बट टेस्ट वाइज इट वॉज रियली गुड। 3 टाइम का खाना आप लोगों को सर्व किया जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड शाम का स्नैक्स। मैं तो फुल थी तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया, बैग में डाल लिया, बट खाने की क्वालिटी अच्छी थी। शाम के स्नैक्स में भी जो कचौड़ी था वो गर्म था, मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट आई होप पास में लोग टेस्ट कर रहे थे तो देवर सिंह के अच्छा ही है एंड आई होप दैट टू। बाकी मेरा जर्नी अच्छा था, मुझे बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड सॉरी अगेन कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ वीडियो पोस्ट करने, बिकॉज सो मेनी अदर थिंग्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट होप टू सी यू गाइस सून। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।